जी की, जो हमें माँ गंगा के उस पार कर दे। माँ गंगा तो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही इस धरातल पर लाई गई है। माँ गंगा के चरणों में हम बंधुओं का प्रणाम स्वीकार हो। देख रहा हूं दूर खड़ा एक केवट दिखाई दे रहा है। हमें केवट को आवाज लगानी चाहिए ताकि वह हमारे पास में आए और हमें माँ गंगा की उस पार कर दे। केवट भैया, अरे ओ केवट, लक्ष्मण तुम भी बुलाओ केवट को। अरे ओ केवट भैया, हम आपको बुला रहे हैं, अतिशीघ्र हमारे पास में आ जाओ। केवट भैया आओ ना माझी, माँ गंगा की उस पार जाना है हमें। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आज्ञा पिता की लेके हम वन को आए, देखो हम वन को आए। भैया लखन और सीता को लाए, देखो जाना है हमको गंगा पार, जाना है हमको गंगा पार। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा, Thank you.
समय है, रात्रि भी होने के लिए जा रही है और हम इस वन से परिचित भी नहीं है। अनजान वन है देखो, अनजानी राहें भैया, अनजानी उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। जय हो गंगा मैया की, जय हो। अरे भैया ठहरो ठहरो, अबे नाव तिरछी चल रही है, हवा उल्टी आ रही है, नाव तिरछी चल रही है, आबे में जरा देर हो जाई है। ठहरो ठहरो महाराज, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है। आज तक मेरे नाम से मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मेरे नाम से किसी ने मुझे आज तक नहीं बुलाया, लेकिन ये जो यात्री हैं ये मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं। माझी, ए माझी, अपनी नौका लेकर के आओ और हमें गंगा के पार करो। लेकिन ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये देखने में तो दूर से नए लग रहे हैं, लेकिन ये नाम कैसे जान रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। कौन हो तुम, कहां के हो?